आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा हम गाते हैं। प्रभु तेरी आराधना करने पूरे हृदय से पूरे मन से प्रभु आपके सम्मुख आज हम उपस्थित हैं। प्रभु ये पल हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे निजी जीवन के लिए प्रभु आपकी आशीष का, आपकी करुणा का प्रभु बड़ा स्रोत बन जाए। प्रभु यीशु की आराधना स्तुति और महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति और महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति और महिमा होवे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग प्रभु यीशु के नाम में ऊंचे आवाज में बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब्बा पिता प्रभु के लिए ऊंचे आवाज में बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के लिए बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्यार भरे हृदय से पवित्र आत्मा ईश्वर के लिए बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु ने हमें प्यार किया है, पर हमने प्रभु का प्यार को महसूस किए बिना, उसकी प्यार को पहचाने बिना हम उससे दूर हो गए हैं। फिर भी प्रभु हमें नहीं छोड़ते हैं और हमारे पास आते हैं और हमें बुलाते हैं। हम उसको ठुकराते हैं, फिर भी हाथ पकड़ के उसके पीछे पीछे हमें ले चलते हैं। आइए, जो प्रभु हमें प्यार करते हैं, वह प्रभु कहते हैं उसके वचन में कि पृथ्वी के अंत तक मैं तुम्हें नहीं ठुकराऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यार भरे हृदय से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रभु इमानुएल जो हमारे साथ रहते हैं, वही प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए इस समय हमें प्रभु ने दिया है। इस सुंदर समय को आइए, हमारे प्रभु यीशु जो हमें प्यार करते हुए सारे दुनिया को बचाने के लिए उसकी महिमा को त्यागते हुए हमारे पास आए हैं, हमारे साथ रहने के लिए।
वही प्रभु को हमारे जीवन हृदय आत्मा सब कुछ समर्पित करते हुए उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रभु महान है, प्रभु करुणाशील है, प्रभु दयालु है, जो हमें बचाता है, जो हमें रक्षा करता है, जो हमारे सारे बीमारी रोगों को चंगाई देता है, वही प्रभु हमारा प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो प्रभु ने सारे सृष्टि को बनाया है, जो प्रभु ने हमें और आपको बनाया है, जो प्रभु ने हमारे सारे आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जो प्रभु हमारे साथ रहते हैं, वही इमानुएल प्रभु, जैसे इसराइलियों के साथ प्रभु हर समय उसकी नबियों के द्वारा और अंधकार में उजाला बन के उसके साथ रहा, वैसे ही वे हमारे साथ भी रहते हैं। आइए अपने आप को प्रभु को देते हुए इस सुंदर गाने के साथ हम प्रभु की स्तुति करें। हे प्रभु मुझे ले चल, यीशु तू मुझे ले चल, तू जहां पर है वहीं पर मुझे ले चल, क्योंकि तू महान है। मैं जानता हूं मैं इस दुनिया में अंधकार में डूबा हुआ हूं, पाप में डूबा हुआ हूं, रोग में पीड़ित हूं, तू ही मुझे चंगाई कर सकता है, इसलिए मैं अपने आप को तेरे चरणों में समर्पित करता हूं, तू मुझे ले चल। ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाँ प्रभु तू मुझे ले चल, तू है जहां, यीशु तू जहां पर है वहीं पे मुझे ले चल। ले चल मुझे हाथ थाम के मेरा, ले चल आइए फिर से हम प्रभु से कहें, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाँ प्रभु ले चल, यीशु तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाँ प्रभु तुझे से मुझे इज़राइल को हाथ थाम के तूने लेके चला, वैसे हमें भी ले चल। ले चल मुझे प्रभु, जैसे जितने भी रोग में पीड़ित थे वे लोग तेरे पास आए और तूने उनको ठुकराया नहीं बल्कि उनको चंगाई दिया, उसी तरह हम भी आपके चरणों में आते हैं प्रभु, हमारे ऊपर भी तू दया दृष्टि डाल प्रभु, क्योंकि तू महान है, तू शक्तिशाली है, तू सब कुछ देने वाला प्रभु है। जैसे तूने इसराइलियों को मरुभूमि में ले चला, उनको अकेले में नहीं छोड़ा, वैसे ही हमें भी अकेले में ना छोड़े, और हमें इसराइलियों के जैसे हमें भी तुम ले चल प्रभु। यस लॉर्ड, आइए अपने आप को संपूर्ण रूप से प्रभु को देते हुए प्रभु से दुआ करें और आशीष मांगते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी इसराइलियों के जैसे हमें भी तुम्हारी ओर ले चले। मैं तेरे दर पे आया हूं खाली हाथों से, हाँ प्रभु तेरे दर पे मैं खाली हाथों से आया हूं प्रभु, अपने सर को झुकाता हूं, मेरे सिर को तुम्हारे ओर झुकाता हूं प्रभु, भर दे मेरे चोली को तू भर दे प्रभु, तुझे ढूंढता हुआ, हाँ प्रभु मैं तुझे ढूंढते हुए आना अपना।
विरुद्ध में, मेरे अपने के विरुद्ध में किया प्रभु, उस सारे पापों के कारण प्रभु मैं खो गया हूँ। जैसे तूने एक पेड़ को ढूंढते हुए गया और उसको बचा के अपने गले में लगाया और अपने साथ लेके गया, उसी तरह मैं भी तुम पे दुआ करता हूँ हे यीशु, मेरे पास आ और मुझे ढूंढते हुए तेरे पास मुझे लेके चला। और तेरी वचन में तूने कहा प्रभु, जैसे हिरन प्रभु पानी के लिए तरसते हुए पानी को ढूंढते हुए जाता है, मैं भी तेरे पास ढूंढते हुए आ रहा हूँ प्रभु। प्रभु तू ही मेरा प्यास बुझा दे, मैं अपने आप को तेरे चरणों में संपूर्ण रूप से समर्पित करता हूँ, मुझे ले चल तेरे पास। जैसे हिरनी पानी के लिए, हाँ प्रभु जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा है, उसी तरह मैं भी प्यासा हूँ प्रभु तेरे दर्शन पाने के लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए, सच में प्रभु जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा है, उसी तरह मैं भी प्यासा हूँ प्रभु, मेरे प्यास बुझा दे, मेरे भूख को मिटा दे। मुझे ढूंढता हुआ प्रभु, तुझे ढूंढते हुए चाहता हुआ, इस अंधकार की दुनिया में तुझे चाहता हुआ मेरे पास आ गया हूँ प्रभु। तूने मुझे ढूंढते हुए तेरी जो महिमा है उसको छोड़ के दुनिया को आया प्रभु, मुझे अपना बनाने के लिए तुझे तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। मुझे ढूंढता मुझे तू ढूंढते हुए आया प्रभु, चाहता हुआ इस प्रेम को मैं कैसे बखान करूं, सही में प्रभु के महान है। भीड़ से मुझको दुनिया के भीड़ में से तूने मुझे चुना प्रभु, धन्यवाद तुझे, तूने मुझे अपनाया, उजाला में लाया, मेरे प्यार में भर दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। ढूंढता हुआ मुझे चाहता, आइए अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, जो प्रभु हमारे लिए सारे तू महिमा को जानते हुए हमारे पास आया, उस प्रभु को अपने आप को समर्पित करते हुए अपना दोनों आंखें को बंद करते हुए दोनों हाथों को उठाते हुए आप प्रभु की स्तुति करें। आइए अपने सारे लोग बीमार को दुख तकलीफ को समर्पित करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब हम पापी ही थे उसी समय उसने हमारे लिए आया, हमारे सारे लोग बीमार को अपने ऊपर लिया, क्रूस पे अपना जान देते हुए हमें बचाया, उसकी लहू से हमें शुद्ध किया है। उस महान प्रभु को हम स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो यीशु, हालेलुया, मेरे पाप को तूने धो डाला, हालेलुया यीशु, तूने मेरे पाप को ना देखते हुए मुझे पवित्र बनाया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति और तेरी महिमा हो प्रभु, हालेलुया, ओ जीसस वी वर्शिप यू, हालेलुया, तूने मुझे ढूंढते हुए आया, ओ इमानुएल प्रभु तेरी स्तुति, हालेलुया, मुझे ढूंढता हुआ, हाँ प्रभु तूने मुझे ढूंढते हुए, मुझे चाहते हुए प्रभु आत्मा को छोड़ते हुए तू मेरे पास आया, धन्यवाद यीशु, तूने इस भीड़ में से मुझे चुना, इसलिए धन्यवाद तूने कहा मैं माँ के घर से ही तुझे जानता हूँ, इसलिए धन्यवाद यीशु, मुझे ढूंढता हुआ, दोनों हाथ अपने सीने पे लगा हुआ के बाद करते हुए से प्राण तू यहाँ फिर से मुझको चुना अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशु, धन्यवाद यीशु,
तूने मुझे भीड़ में से चुना, yes, तेरे नाम से मुझे परिचय दिया, yes, तेरे नाम से मुझे तूने इस दुनिया में दूसरों के सामने में रखा, yes, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी महिमा हो यीशु, तेरे प्यार के लिए धन्यवाद यीशु। आज के मनन का हमारा विषय है संत मार्कुस की सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1-10 तक। उस समय फिर एक विशाल जन समूह एकत्र हो गया था और लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं था। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है, ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। यदि मैं इन्हें भूखा ही भेजूं तो वे रास्ते में मूर्छित हो जाएंगे। इनमें कुछ लोग दूर से आए हैं। उनके शिष्यों ने उत्तर दिया, इस निर्जन स्थान में इन लोगों को खिलाने के लिए कहां से रोटियां मिलेगी। ईसा ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। ईसा ने लोगों को भूमि पर बैठे जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वे रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए ताकि वे लोगों को परोसते जाए। शिष्यों ने ऐसा ही किया। उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थी। ईसा ने उन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें भी बांटने का आदेश दिया। लोगों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। खाने वालों की संख्या लगभग 4,000 थी। ईसा ने लोगों को विदा कर दिया। वे तुरंत अपने शिष्यों के साथ नाव पर चढ़े और दलमनूथा प्रांत पहुंचे। प्रेस में प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबों के लिए चिर परिचित सुसमाचार, जहां पर प्रभु 5 रोटी और 2 मछलियों को आशीष देकर 5,000 पुरुषों के बीच बांटते हैं। बड़े ही समय से, बचपन से लेकर आपका जो भी उम्र होगा, अभी वही उम्र तक हम लोग प्रभु का यह चमत्कार सुनते आ रहे हैं और उसी प्रकार इस पर गाने भी को बहुत बने हैं, रोटियों का चमत्कार। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु सर्वशक्तिमान थे, ईश्वर के पुत्र थे और वह चमत्कार करना उनके लिए सहज बात थी। लेकिन मैं आप सबों का ध्यान उन 5 रोटी और 2 मछलियों को देने वाला उस गुमनाम शख्स की ओर लेकर आना चाहूंगा। हालांकि इस गुमनाम शख्स को हमने हमारे बच्चों के लिए एक निर्मित हिंदी में डब किया हुआ एनिमेशन फिल्म में नाम दिया है। जब मैं मीडिया क्षेत्र में पहली बार कदम रखा था, एक आयरिश कॉमिक 2D सीरीज द स्टोरी कीपर्स, इसको ट्रांसलेट करने का एक मौका मिला था मुझे, उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में डब करने का एक सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ था। तकरीबन 6 महीने का परिश्रम के साथ में हम लोग 13 एपिसोड्स को इंग्लिश में से हिंदी में बहुत सुंदर तरीके से डब किए हैं। आत्मदर्शन में इसको दिखाने के लिए मुझे बहुत इच्छा है, लेकिन कॉपीराइट इश्यूज के कारण मैं यह नहीं कर पा रहा हूँ। ये हमारे हिंदी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण हमारे एक योगदान के रूप में हम मानते हैं, जिस पर हमने 7 महीने इसको ट्रांसलेट करने के लिए समय बिताया और उसके बाद में 3 महीने इसको डब करने में व्यतीत किया और उसके बाद में लगभग 1 साल के बाद उसको हिंदी में हम स्टोरी कीपर्स के नाम पर इसको रिलीज किया था। कहने का तात्पर्य है, उसमें इस 5 रोटी और 2 मछलियों को देने वाला उस व्यक्ति का, उस शख्स के बारे में ही कहानी बुना हुआ है। वही उस स्टोरी कीपर्स की जो मुख्य किरदार निभाते हैं। सुसमाचार में हम वापस लौटते हैं,
सुसमाचार में इस व्यक्ति का नाम हम नहीं देख पाते हैं, गुमनाम गुमशुदा एक व्यक्ति जो अपने पास में जो 5 रोटियां वो खुद के लिए या खुद के परिवार के लिए लाए थे और 2 मछलियां प्रभु के लिए देने तैयार हुए। प्रभु जब अपने प्रवचन शुरू करते हैं कब समाप्त करते हैं उसकी कोई आइडिया किसी को भी नहीं है। लोग प्रभु को सुनने के लिए आते हैं, चमत्कार देखने के लिए आते हैं और उनकी ओर खींचे चले जाते हैं, उनके वचन सुनते जाते हैं। और ऐसे ही समय बहुत ज्यादा बीत गया और लोगों को भूख लगने लगी, प्रभु को भी संभवतः भूख लगी होगी। बहुत सेंसिटिव प्रभु अपने शिष्यों से पूछते हैं तुम्हारे पास क्या है, उनको खाना खिलाना है। तो शिष्य अपने खाली हाथों को दिखाते हुए प्रभु से कहते हैं हमारे पास ऐसा कुछ ठोस चीज है नहीं। पता लगने से मालूम पड़ा कि उस भीड़ में एक शख्स है जिनके बारे में 5 रोटियां हैं 2 मछलियां हैं और वह सहर्ष प्रभु को देने के लिए तैयार होते हैं। चमत्कार की शुरुआत यहां से है। प्रभु स्वतः ही सबों को खाना खिला सकते थे, वो पत्थरों से भी रोटियां बनवा सकते हैं। अगर 5 रोटियों पर आशीष कर 5,000 या 20,000 लोगों को वह खिला सकते हैं तो वह पत्थरों को भी रोटी में तब्दील किया जा सकता था। लेकिन प्रभु वह काम वहां नहीं करते हैं। लेकिन वो जो वो शख्स गुमनाम शख्स जो अपने पास में थोड़े बहुत अपने लिए जो लाए थे जब देने जब तैयार होते हैं वहां चमत्कार की शुरुआत होती है। प्यारे भाई और बहनों, मैं अक्सर प्रभु के प्रोविडेंस के बारे में आप सबों से मेरे जीवन से जुड़े कुछ बातों को रखा हूं। ये जो चर्च बना है यहां पर, ये जब चर्च बनने की मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई कोविड के पहले, जहां से आप सतत आराधना में भाग लेते हैं, पवित्र मिसा में भाग लेते हैं, मेरे पास में 1 कौड़ी भी नहीं था। लेकिन प्रेरणा थी और मैं अपने आप को रोक नहीं सका। बात हुई, स्वामी जी ने बोला मेरी आशीष तो तुम्हारे साथ है लेकिन फिनेंस नहीं है। यकीन मानिए प्यारे भाई और बहनों, 2019 नवंबर महीने में जब हम कोविड की कोई बात नहीं सुन रहे थे, वहां इस चैपल का हमने निर्माण कार्य शुरू किया था। उस समय में मेरे पॉकेट में कितने पैसे हैं, बैंक में कितने बैलेंस है, उसका कोई जिक्र नहीं किया। मैं मेरे परिवार में सबसे प्रथम ये बात कही। मेरे परिवार वालों ने सर्वप्रथम मुझे कुछ पैसों का मदद करी और वहां से मैंने इस चर्च का निर्माण किया। प्यारे भाई और बहनों, जब मार्च 22 को प्रथम मॉक लॉकडाउन हुआ था, जब आप अपने अपने घरों में कैद थे और चर्च नहीं जा पा रहे थे, संडे का दिन था, प्रथम मिस्सा इस गिरिजाघर से शुरुआत हुई थी। प्रभु की योजना थी इस गिरिजाघर को बनाने में कम से कम हम 15 से 17 लाख रुपए खर्च किए हैं और ये पैसे कहां से आए मुझे आज भी इसका कोई जानकारी नहीं है। कोविड के वही तंगी हालत में हमने इस गिरिजाघर का निर्माण किया है। हम बहुत बड़े कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां पर बैंक बैलेंस जिससे ज्यादा ये सारी चीजें चल सकते हैं। कोविड के उसी समय हमारे सारे रिसोर्सेस बंद हो गए थे, सूख गए थे, उसके बावजूद भी ये चर्च का निर्माण हुआ है। मेरी कहानी आत्मदर्शन की कहानी से बहुत मिला जुला है। मेरे जीवन की कोई कहानी आत्मदर्शन से आगे ना पीछे है, तो इसलिए जब भी आत्मदर्शन की कहानी मैं किसी के सामने रखता हूँ ये मेरी ही भी कहानी है, मेरी अपने विश्वास का एक कहानी है। यही महीने की बात है जब 31 तारीख हो गया था, मुझे सैलरी के लिए कम से कम 6 लाख की ज़रूरत होती है। मेरे बैंक में
बैंक बैलेंस के रूप में 50,000 रुपए थे। और ईश्वर की महती कृपा देखिएगा, जब 3 तारीख को मुझे सबको सैलरी डालना हुआ, उस दिन मुझे उससे भी ज्यादा धन या राशि अलग अलग जगह से प्राप्त हुए। हमारी आत्मदर्शन की यह कहानी जो है, इस 5 रोटी और 2 मछलियों को बांटते हुए प्रभु ने 5,000 लोगों को या 20,000 लोगों को खिलाया, उसी के ही अनुसार है। मैं इस चमत्कार से कम नहीं देखता हूं, हर समय मैं अनुभव करता हूं कि प्रभु हमारे साथ में है। और जब प्रभु हमारे साथ में है तो हमें कोई कमी घटी नहीं होती है। एक और मंदिर का निर्माण अभी चल रहा है, उसके लिए भी अनेक लोगों ने हमारी मदद की है, और उसके साथ साथ प्रभु की प्रेरणा के अनुसार हम चलते रहे हैं। आत्मदर्शन की कहानी भी यही है कि छोटी छोटी शुरुआत से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। नॉर्थ इंडिया का आत्मीय दर्कन बन गया है तो उसका भी मुख्य कारण प्रभु पर पूरी तरह से आश्रित रहने की कहानी है। शुरू से लेकर अंत तक, अभी तक मैं यही आप सबों के सामने बयान करना चाहूंगा, जो रोटियों का चमत्कार जो गुमनाम उस व्यक्ति से शुरुआत हुई थी, वो आज भी सतत जारी है। हम उसका प्रमाण देते हैं, आत्मदर्शन उसका महत्व प्रमाण देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमारे छोटी छोटी चीजों को जब हम प्रभु के लिए समर्पित करते हैं, हमारा समय, वक्त, टैलेंट्स, रिसोर्सेस, समय, प्रभु उस पर आशीष करते हैं, वो आशीष बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में ला सकते हैं। आप सबों से भी यही मैं कहना चाहूंगा, जब आपका समय, आपके टाइम, रिसोर्सेस, टैलेंट्स, आपके अगर प्रभु ने आशीष दी है, वो आशीषें जब प्रभु के लिए आप समर्पित करते हैं और प्रभु की आशीष उस पर पड़ती है, वे भी 5 रोटियों और 2 मछलियों से बढ़कर बड़ा चमत्कार दिखा सकते हैं। समर्पण की जरूरत है। जब हम समर्पित करेंगे अपने आप को, अपने टैलेंट्स को, हुनर को, समय को, प्रभु अवश्य उस पर आशीष करेंगे। हे मसीह, जीवंत ईश्वर के पुत्र, हाँ प्रभु, तेरे ही आराधना में, तेरी ही स्तुति में, तेरी ही महिमा गाने में छुटकारा है। प्रभु जी, तेरे ही नाम से अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोड़ी शुद्ध किए जाते हैं। Yes, Lord. प्रभु जी, जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में बंद थे और तेरे नाम की स्तुति गा रहे थे, आराधना कर रहे थे, तब प्रभु उनके सारे बंधन खुल गए, उनके साथ बंदी गृह में कैदी भाइयों के बंधन खुल गए, सबके सब मुक्ति प्राप्त किए प्रभु। उसी प्रकार प्रभु, बड़ी आशा और विश्वास के साथ हम तेरे पवित्र चरणों में आए हैं। राजा दाऊद कहते हैं, प्रभु आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टि कर्ता के सामने घुटने टेके,
देख यीशु, हमारे प्रभु, हमारे यीशु, तेरे सामने दंडवत करते हुए हम घुटनों के बल आए हैं तेरी आराधना करने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए, तेरी महिमा गाने के लिए प्रभु, क्योंकि तेरे ही नाम से छुटकारा मिलती है। पौलुस बताते हैं प्रेरित चरित अध्याय 4 वचन संख्या 12 में, यीशु सिर्फ तेरे ही नाम से मुक्ति मिल सकती है हम मानवों को। वही विश्वास लेकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जेवियर तिर्की के लिए प्रभु जी, उसे सभी प्रकार के शारीरिक रोगों से चंगाई दीजिए। अनुरंजन कुल्लू को प्रभु, जिसके हड्डी टूट गया है प्रभु, उससे उसे पूर्ण चंगाई मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आशा मणि को प्रभु समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, मानसिक रूप से चंगाई दीजिए, शारीरिक रूप से चंगाई दीजिए और आत्मिक रूप से चंगाई दीजिए प्रभु जी। उषा कच्चप को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, लिवर के रोग से उसे पूर्ण चंगाई दीजिए। यीशु नाजरी, जब तू हमारे इन भाई बहनों को चंगा करेगा तभी ये चंगाई प्राप्त करेंगे। यीशु नाजरी, जब तू इनका उद्धार करेगा तभी इनका उद्धार संभव है। हाँ प्रभु, प्रभु क्योंकि हम तेरे नाम की दुहाई देते हुए हमारे इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, जब कोड़ी तेरे पास आकर घुटने टेकते हुए कहा, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। हाँ प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे इन भाई बहनों को शुद्ध कीजिए, इनके रोगों से इन्हें चंगाई दीजिए। इन सभी अर्जियों को लेकर तेरी दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करो विश्वासी, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वासी। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हे यीशु, वचन हमें बताता है प्रभु कि कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, निरंतर नित्य प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु वचन हमें बताता है कि रोगियों की प्रार्थना, दुर्बलों की प्रार्थना, दीनहीनों की प्रार्थना मेघों को चीरते हुए तेरे पास तक पहुंचती है प्रभु, और उनकी सुनवाई शीघ्र ही तू करता है प्रभु। प्रभु जी, हम बड़ी दीनता के साथ, विश्वास और भरोसे के साथ तेरे नाम की दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं। करुणा सागर यीशु, विल्सन तिर्की को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। रीढ़ की हड्डी, कमर और दाहिने पैर में दर्द है प्रभु। प्रभु अपने कोड़ों खाने के द्वारा जो दर्द तेरे शरीर पर उत्पन्न हुआ था, उन्हीं घावों के योग्यता से हमारे इस भाई को चंगाई दीजिए। संध्या रानी बहरा को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, कैंसर के रोग से ग्रस्तित है। तू तो डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य है प्यारे प्रभु। तू ही वह प्रभु है जो जायरस की बेटी को मृतकों में से जिलाने वाला ईश्वर तू है। प्रभु जी, तेरे शब्द मात्र से रोगी चंगाई प्राप्त करते हैं। हमारी इस बहन के लिए एक शब्द कह दे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जोशी बेसरा के लिए,
उसके निराशा भरे जीवन से उसे छुटकारा दीजिए यीशु, उसे उपयुक्त जीवन साथी प्रदान कीजिए और प्रभु जी उसकी योग्यता के अनुसार एक अच्छी नौकरी प्रदान कीजिए। सेंड्रा पिंकी को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उसे संतान का वरदान दीजिए। हाँ प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सेंड्रा पिंकी के सदृश उन सभी भाई बहनों को जो निसंतान हैं। हाँ प्रभु, प्रभु अपने पवित्र इच्छा हमारे इन भाई बहनों के ऊपर पूर्ण होने दे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं सेबास्टियन को प्रभु, उसकी योग्यता के अनुसार एक अच्छी नौकरी प्रदान कर। तूने कहा है यीशु, मैं तुम्हारे लिए एक निर्धारित योजना जानता हूँ, एक आशामय भविष्य की योजना है। तेरी योजना हमारे बेरोजगार भाई बहनों के जीवन में पूर्ण हो जाए यीशु, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ यीशु इस संचार माध्यम के द्वारा इस समय तेरे सम्मुख बैठे हुए उन सारे भाई बहनों को चढ़ाते, उनके परिवार को, उनके व्यवसाय को, उनकी नौकरी को, और प्रभु जी विशेष करके इस संचार माध्यम को जो आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करते हैं तेरे वचन प्रचार प्रसार करने के लिए, उनके जीवन में 100 गुना उन्हें आशीषित कीजिए यीशु। इन सभी अर्जियों को लेकर युक्रिस्त यीशु तेरी दुहाई देते हैं। हालेलुया 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 पूरे परिवार को हम प्रभु को समर्पित करें। सालों से जो प्रार्थनाओं की उत्तर हमें नहीं मिला है, जमीन बेचने का, घर बेचने का, नया घर खरीदने का, नई नौकरी के लिए, संतान के लिए, सालों से प्रार्थना करने वाले हर एक प्रार्थनाओं को, कोर्ट केसेस को, हमारे बच्चों के लिए जो प्रार्थना है वो सभी हम प्रभु के ईश्वर समर्पित करें। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ओ प्रभु, सालों से प्रार्थना करने वाले हर प्रार्थना पर तेरी आशीष हो, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 करे। वो अच्छा है, कितना भला है।